चैलेंज नंबर फाइव ये चैलेंज आपके डॉक्टरों के लिए नहीं है ये पेशेंट के लिए चैलेंज है जब भी कोई डॉक्टर कोई भी आपको ट्रीटमेंट देता है दवाई देता है तो आप सिर्फ एक ही चीज़ पूछिए डॉक्टर साहब आपके बोलने पे ट्रीटमेंट मैं ले लूंगा लेकिन क्या इस ट्रीटमेंट के लेने से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ अच्छी हो जाएगी या मेरे लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा इन कंपेरिजन टू अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो अगर तो अच्छा हो जाएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी बहुत भी लाइफ स्पैन थोड़ा और बढ़ जाएगा घटेगा नहीं तो मैं ये कर लेता हूँ राइट द आंसर इज आपको जान के शॉकिंग लगेगा जितनी सारी मॉडर्न मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है चाहे वो कीमोथेरेपी है चाहे डायबिटीज की दवाई है हाइपरटेंशन की दवाई है अभी तक के मेन स्ट्रीम एविडेंसेस एलोपैथी के खुद के एविडेंसेस ही ये बोलते हैं कि दो तरह के लोग हैं एक वो मॉल फॉर एग्जाम्पल कैंसर सभी को एक तरह का कैंसर है आधे लोग वो जो कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी रेडिएशन कर रहे हैं दूसरे लोगों के पास पैसा ने नहीं कर रहे हैं जिन्होंने नहीं किया उनकी आयु भी लंबी रही और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लंबी रही इन कंपैरिजन टू जिन्होंने सारी बातें मानी और वैसे का वैसे ही किया ये ये मैं तो खैर बोल ही रहा हूँ लेकिन ये सारे एविडेंस में है लेकिन इसकी विपरीत एविडेंस नहीं है कि जिन्होंने किया तो उनकी लाइफ बढ़ गई राइट तो आप जब भी कोई इलाज कराते हैं आपका मेन पर्पस क्या इलाज कराने का यही पर्पस है ना कि आपकी आयु अच्छी हो जाए आपको कंफर्ट मिल जाए यही तो पर्पस है या आप और बीमार पड़ जाएँ राइट right? तो ये एक सवाल पूछना है ये सवाल एज ए अवेयर पेशेंट आपको पूछना है और वो सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो वो सबूत ये किताब है वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ बिश्रू डॉट कॉम स्लैश वन क्वेश्चन इसमें जाएंगे तो ये सबूत सारे एविडेंसेस मेडिकल एविडेंसेस मैंने इसमें डाल दिया है तो अब चैलेंज नंबर सिक्स अगर आपको मेरे बताए हुए डी आई पी डाइट नाइस प्रोटोकॉल या पॉस्टुरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए नाइन